हर गुजरते साल वेब सीरीज का लेवल प्लस होते जा रहा है। ऑलमोस्ट सारी सीरीज हिंदी में डब हो रही है। टॉप 5 बेस्ट वेब सीरीज ऑफ 2023 इन हिंदी डब पार्ट 3। ऑटोमेटिक इनके फोन में एक मिस्टीरियस ऐप इंस्टॉल होने के बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से हेल हो चुकी है। ये ऐप इन्हें ऐसे ऐसे टास्क देकर इस तरह से कंट्रोल करती है कि ये लोग तभी तक सेफ है जब तक ये लोग इन टास्क को परफॉर्म करें। ऐसे सिचुएशन से ये लोग कैसे बाहर आएंगे ये दिखाई जाएगी आपको रेड रोज नाम की सीरीज में, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। आप भूतों में यकीन करते हो? लिस्ट की 5वीं सीरीज इतनी माइंड ब्लोइंग है जो सिर्फ स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में आपको अपने मिस्टीरियस और रिलेटेबल टीन कैरेक्टर से पूरी तरह से हुक कर लेगी, और ऊपर से इसकी डार्क थीम के साथ एक डार्क म्यूजिक जो पूरी तरह से वाइब सेट कर देती है। ओवरऑल ये प्रॉपर टीनेज ड्रामा है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं जो हमें कैसे सीरीज से एक्सपेक्ट करते हैं। ये दो डिटेक्टिव इस छोटे से टाउन में हो रहे अचानक मर्डर से परेशान हो चुके हैं और इन्हें किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके इस हुडनिट मिस्ट्री को सॉल्व करना है। Amazon Prime पर अवेलेबल मिस्ट्री ड्रामा 8 एपिसोड डेडलॉक। कंसेप्ट वाइज आप इस सीरीज से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, पर एक ओल्ड और रिपीटेटिव कंसेप्ट में भी इसका प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेवल की है। इस छोटे से टाउन में इतनी मिस्ट्रीज कैरेक्टर और रिच वर्ल्ड है जो 1-2 एपिसोड में आपका अटेंशन पूरी तरह से ग्रैब कर लेगी, और ऊपर से इसकी डार्क विजुअल जो थ्रू आउट द सीरीज डर वाला एनवायरनमेंट बनाए रखता है। फेमस होने की चाह इस लड़की को क्या क्या करने पे मजबूर कर देती है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टोटल 7 एपिसोड के साथ मास्क गर्ल। ब्यूटी को लेकर इनफीरियर लड़की मास्क पहनकर एडल्ट वेबसाइट पर जाती है ताकि उसे वहां से फेम और अटेंशन मिल सके, पर इसे इसके ऑफिस के लोग ही पहचान लेते हैं। अब क्या होगा? आज मैं तुम सबको अपना चेहरा दिखाऊंगी। ब्रूटली आर रेटेड सीरीज, भर भर के न्यूडिटी, वायलेंस और एक डार्क टोन, जिस तरह से सीरीज इन सब चीजों को एपिसोड 1 से कैरी करती है लाजवाब। सीरीज का मैसेज भी काफी क्लियर है जो टू द पॉइंट चलती है। फर्स्ट हाफ लिटरली इतनी ग्रेट है कि आप इसका एपिसोड फर्स्ट कंप्लीट करते ही इसमें पूरी तरह से खो जाएंगे। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल डार्क कॉमेडी ड्रामा बीफ। पूरी तरह से दो अननोन स्ट्रेंजर एक दूसरे से रोड रेज में टकराते हैं। अब इनकी अजीब मुलाकात कैसे एक रिवेंजफुल ड्रामा बन जाती है, ये सब इस सीरीज के अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस रिवेंज में इन्हें और इनकी फैमिली को क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं और इन सब में इनकी इमोशनल कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीजें इस सीरीज के अंदर डैम क्रेजी है। मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हारे सारे सुख छीन लूंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर है वो इसकी आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, और ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही मैच्योर और रियलिटी के एज मच एज गरीब ग्रह के प्रेजेंट किया गया है। मेन थीम के साथ इस सीरीज में फन, थ्रिल, इंटेंस, हार्ट टचिंग, ये सब जॉनरे को बहुत अच्छे से ब्लेंड किया गया है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलता है माइंड ब्लोइंग। नंबर 1 की सीरीज भाई डैम ब्रूटल है। ये दोस्त है कैसे मनी लैंडिंग माफिया के खिलाफ वॉर शुरू कर देते हैं जो पेंडेमिक के दौरान गरीब लोगों को लोन देकर अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा होता है। इस लड़ाई में क्या क्या सहना पड़ता है और किस तरह के खतरे फेस करने पड़ते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल 8 एपिसोड के साथ ब्लड हाउंड नाम की सीरीज के अंदर सब कुछ दिखाया गया है। सीरीज के इस डिसेंट कंटेंट को इसके नेक्स्ट लेवल के एक्शन पूरी तरह से ओवरपावर करती है, और जो ब्रूटल एक्शन इस सीरीज के अंदर दिखाई गई है आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है। एंड में बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक्शन के थोड़े से भी फैन है तो ये सीरीज आपका दिल जीत लेगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।